मतलब मैंने जितने भी शोज़ करे हैं ऐसा लॉन्च हमने कभी नहीं पाया है वेयर कलर्स एंड कलर्स ऑल्सो इज़ कोलैबोरेटिंग विद रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन, जहाँ हम नीडी लोगों को, हम एज इन यू नो ऑल ऑफ अस टुगेदर नीडी लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेकर. और आई गेस इससे बेहतर लॉन्च नहीं हो सकता था वेयर यू नो वी आर सपोर्टिंग सच अ बिग इनिशिएटिव. सो शुभारंभ का शुभारंभ तो बिल्कुल अलग लेवल पर हुआ है, जो लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा सकता है, अभी भी जा भी रहा है. तो बहुत ही अलग तरीके से, प्यारे तरीके से लोगों को हेल्प करके शो का लॉन्च हुआ है एंड कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा निकाला है कि शो से जुड़ता है. तो या इनोवेटिव वे, दोनों बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं. रानी एक साइड पे प्रैक्टिकल है तो राजा बहुत इमोशनल है. राजा अगर दिल से सोचता है तो रानी दिमाग से सोचती है. एंड टॉकिंग अबाउट राजा, राजा को उसको अभी लाइफ में कोई, उसको अभी सिर्फ अपनी लाइफ जी रहा है, वो खुश तरीके से जी रहा है, जैसे चल रहा है. फैमिली वाले कुछ बोलते हैं वो वैसे मान जाता है. बहुत सेल्फलेस इंसान है, फैमिली मैन है, रिस्पॉन्सिबल मैन है. एंड रानी, यार रानी काफ़ी राजा से अलग है. ऑफ कोर्स जैसे कि आपने ही बोला, काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं. समवन हु इज़ कॉन्फिडेंट, समवन हु कैन टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, और इंडिपेंडेंट है, प्रैक्टिकल है, कभी कभी पेसिमिस्ट हो जाती है जहाँ वो क्रिप करती रहती है श्रीनाथ जी से. बट समवन हु इज़ या हु इज़ ओपिनिएटेड, और इस मतलब अच्छी बंदी है यार, वैसे दिल की बुरी नहीं है, बट जब उसे जवाब देना होता है सामने वाले को तो वो दे देती है. यार अभी तक तो मतलब थिंग्स आर रियली प्रोफेशनल एंड हम अभी मतलब अभी तक एक दूसरे को इतना नहीं जान पाए हैं, बट आई एम जस्ट होपिंग कि यू नो लोग इस फ्रेश पेयर को भी एक्सेप्ट करें, बहुत ज़्यादा प्यार दे. एंड या दैट्स अबाउट इट. नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैंने पहले शोज इतना नहीं किया, दिस इज़ माई सेकेंड शो. एंड इतनी पुरानी को एक्टर, चाहे छोटी हो मुझसे लेकिन मेरे को हमेशा सीनियर एक्टर की तरह ही लगती है, बिकॉज बहुत पहले से काम कर रही हैं ऑब्वियसली. एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली डांस. एंड शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव. मुझे इतना अच्छा डांस नहीं आता वो शूट करते टाइम, तो या काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस. राइट, तो राजा का जैसा नाम है, राजा का लुक वैसा नहीं है. ऑब्वियसली कपड़े बहुत अच्छे हैं, बट सिंपल लुक है, वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर्स हैं. एंड डबल लेयर ट्रिपल लेयर्स कपड़े दिए हैं, नॉट सो वेरी क्रिएटिव वैसे कुछ कपड़े जैसे रानी के, बट अच्छे कपड़े. दिस वॉच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये पापा, राजा के पापा की डेथ हो जाती है तो ये वॉच उनकी है, तो ये हमेशा डालते हैं. हाँ, बिकॉज आई फील आपकी ड्रेसिंग और आपकी स्टाइलिंग आपके कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करे तो वो और भी बड़ी अच्छी बात हो जाती है. एंड आई गेस रानी, जैसे मैंने पहले ही बोला, कलरफुल कॉन्फिडेंट है, तो वो खुद अपनी स्टाइलिंग भी उसने वैसे कर रखी है, छटैक नहीं बोल सकती बट ईजी टू गो, कॉन्फिडेंट, कलरफुल, तो देख सकते हैं आप, यू नो सिल्वर ज्वेलरी है, बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं, विच कॉम्प्लीमेंट्स हर कैरेक्टर. सो या, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं पूरी लाइफ टाइम ये मोमेंट नहीं भूल सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान सर से मिलना, सेकेंडली हमारे शो का लॉन्च, मतलब शो का प्रमोशन उस शो पे होना, थर्डली मेरा टीवी डेब्यू सलमान सर के साथ, फोर्थली उनकी जैकेट डाल के मैं शो का लाइक शूट कर रहा हूँ. तो मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ. कोई सुनने वाले समझ रहे होंगे कि मैं कितना, मेरे लिए कितनी अमेजिंग फीलिंग थी वो. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी यार कि मतलब तो सलमान खान के साथ पता नहीं कैसे इंट्रैक्शन होगा, कैसे शो का प्रमोशन होगा. एंड मोर देन प्रमोशन आई वॉज नर्वस फ्रॉम माई सेल्फ कि यू नो हाउ विल इट ऑल गो. बट काफ़ी चिल था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा दैट यू नो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट शुभारंभ ऑन बिग बॉस. और सलमान सर के साथ मुझे बहुत लोगों ने बताया दैट हाउ आर यू साउंडिंग सो चिल एंड सो कॉन्फिडेंट, बट आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम. एंड या वी हैड अ ग्रेट टाइम. केम छो मजा मा. अरे पूछना क्या है, सब मजे में ही होंगे ना, देखो कैसे देख रहे हैं. एक मिनट, ऐसे आंखें फाड़ने की जरूरत नहीं है. हाँ हाँ बताते हैं हम कौन है. तो ये है राजा, राजा सूटिंग और शर्टिंग के मालिक. वैसे मालिक तो है लेकिन इसको लगता ही नहीं है ये मालिक है, इसका सिर्फ नाम है बोर्ड पे. शूटिंग और शर्टिंग के मालिक है इसके मोटा पप्पा. हाँ बिल्कुल, आखिर पप्पा के जाने के बाद तो उन्होंने ही सब कुछ संभाला है ना, फैमिली और दुकान को. और ये रानी, नाम की भी रानी और मन की भी रानी. एक मिनट, क्यों? अरे गलत थोड़ी ना कहा, गलत कहा मैंने, हर चीज मन की ही करती है लेकिन अपनी फैमिली की जरूरत पूरा करना चाहती है.
कभी जूते चप्पल की रखवाली करके, तो कभी कार्टून बन के बच्चों को हंसा के, तो कभी अपनी माँ के साथ 100-100 लोगों का खाना बना के। इसीलिए तो सबसे बनती है रानी की। बस श्रीनाथ जी से थोड़ी खिटपिट चलती रहती है। अब खिटपिट चले भी क्यों ना, आप सबको वो सांप सीढ़ी वाला गेम पता है ना, हमेशा मतलब हमेशा सिर्फ 99 पर ही सांप दसता है मुझे। पता नहीं है श्रीनाथ जी कब सुधरेंगे। देखा, अरे आपको देखनी चाहिए इसकी जिंदगी को। ये राजा है और इसकी ना किसी से कोई दुश्मनी है, ये किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता। मतलब राजा शूटिंग और शॉटिंग का मालिक होने के बावजूद ये अपना घर और घर वालों का हर एक काम करता है। कभी मोटी मम्मी के आगे जी जी करेगा, तो कभी मोटा पापा के लिए पूरा दिन भूखा रहेगा। मैं तो सपनों में होने वाले जादू को मानता हूँ, और ये सबको सपनों के नाम से भी डरती है ना, सपनों के नाम से डरती है ना। वो क्या है ना, अब जब हमेशा मेहनत के मौजों के थप्पेड़े खाए हो तो सपनों के सागर में तैरने से डर तो लगेगा ही ना। अरे लेकिन सपनों के सागर के उस पार ही तो तमन्नाओं का टापू होता है। तो सुना आपने, ये है राजा और रानी की कहानी। अब आप लोग ही सोचिए, जब दो लोग इतने अलग अलग सोचने वाले लोग आपस में उलझेंगे तो कैसे कहानी का आरंभ होगा। जैसा भी होगा शुभारंभ तो होगा। आज हमारी साझेदारी का आरंभ हो रहा है, वैसे ही कलर्स टीवी भी करने जा रहा है एक नए साझेदारी का शुभारंभ। जब आप अपने पार्टनर के साथ एक साझेदारी में जुट जाते हैं, तब एक और एक 11 बनकर हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कलर्स और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन पूरे देश को साथ ले आया है एक सपना बुनने के लिए, एक बहुत ही नया सपना। तो जानते हैं वो सपना क्या है। Ladies and gentlemen, please welcome on stage Neena Jaipuria, head of Hindi Mass Entertainment and Kids TV Network, to speak about the show and the new partnership. So, please bear with me. Good evening, everybody, and thank you very, very much for sparing the time to join us here today. A little bit of corporate speech, you'll have to bear with me for that, but we represent the channel and we'll talk a little bit about the channel as well. So, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि when you're together and you are stronger, and we've been teaching our children the same thing, that when you're together you are stronger. You know, when we all have different abilities, different unique qualities in ourselves, but when these get channelized in one direction collectively, we are able to achieve much more and we are much stronger. Even as storytellers at Colors, you know, we believe एक और एक 11 होते हैं, एंड हम मिल के शोज बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, कैरेक्टर्स बनाते हैं। वी आर एबल टू टेल इंस्पायरिंग स्टोरीज बिकॉज वी कम टुगेदर एज अ टीम इनसाइड द चैनल एंड आउटसाइड द चैनल विद द प्रोडक्शन। सो दैट्स रियली द पार्टनरशिप दैट वी हैव, एंड आर न्यू शो लाइक दे जस्ट टॉक्ड अबाउट शुभारंभ इज रियली ऑल अबाउट पार्टनरशिप। इट इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, इट इज़ अबाउट कमिंग टुगेदर, एंड इन लाइट ऑफ दैट I'll talk a little bit about the show. It's a beautiful love story where there are two different people standing right here, Raja and Rani, and they're very complementary in nature. They have complementary skills and they're always criticized for their weaknesses, but when they come together they become each other's strength. So the show is a very positive love story. It's a take on partnership, and it's also about, you know, talking about how two people come to write their own destiny and make each other stronger together. So keeping this theme of stronger together as the mudda of today, and jo shubharam ka jo theme hai wo partnership hai, to isliye humne aaj yahan sabke saath mein ek nayi partnership ki shuruaat ki hai. We were actually looking for a partner who believes in togetherness, who could make a difference to society. And we are very fortunate and delighted to partner with Rubal Nagi Art Foundation. Thank you very much for that, ma'am. They truly believe in stronger together, and they have transformed communities through art. And today what we are going to do with them is actually come together with them, their artisans who have been trained in the foundation across the country. And what we are all going to do together is actually weave the longest bed linen ever made. I think we are very ambitiously targeting 500 meters. Am I right, ma'am? So we are going to target 500 meters of a bed linen, and when it's done, of course, we will distribute it amongst the needy.
So I'm not going to talk too much about it. I'll have Rubel come and talk a little bit about it. But we're really looking forward to a partnership on air with our show tonight at 9 o'clock. And we're also looking towards the partnership that we have on ground with this very big linen that we are, bed linen that we are going to weave. So thank you very much and look forward to a beautiful Shubharam tonight. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Well. So lovely you look. Thank you. Congratulations. Namaskar. Good evening. Thank you so much, Colors, for having me here, for having my foundation and few of my team members here who've come from 4 or 5 different states here to be a part of this initiative and Shubharam. We in Rubel Nagi Art Foundation believe in stronger together for sure. And we always say together we can. It is always about teamwork. I've always said that the battle can't be won by one person, but it can be won if we all join hands together and become as one team. So here I'm very happy. The name itself is so beautiful, Shubharam. Koi bhi achhi cheez karni hoti hai, to hum uske liye Shubharam uska hona bahut zaruri hai. Aur isse acha kya hai ki hum Limca Book of World Record ya jo bhi world record hum banane wale hain uske liye we are going to weave 500 meters of linen which will be given to needy people and you know their blessings will make this 500 meters into 5000 meters for us and I'm very thankful to all of you. Thank you Neena ma'am, congratulations and good luck to both of you. Thank you to producers Ashish Shalaji who've been extremely supportive. Bandra mein Rubel Nagi Art Foundation and Rubel Nagi cannot think of doing anything without Ashish ji and Poonam ji's support. So I'm very thankful for you always being there. And I must say, ek call pe if somebody, any leader who responses and takes action to help you is what we all need. Thank you so much and all the very best colors. And let's hope we can make the best, longest world record and almost 280 women are going to work on this bed linen to weave it together. So all the best, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, you can stay here. So what Rubel didn't tell you, of course, is that she has a lot of slums under her wings and her foundation actively works towards that upliftment of the people and the communities of those slums as well. But today we also have a very special person who has come to support us for this wonderful cause. Ashish ji, thank you very much for being with us. Can I please invite you on stage to say a few words? And thank you for supporting this partnership. Congratulations to Colors especially and you Colors guys have taken a big risk, you know, by giving a mic to a politician. But I'll not be very long. The reason why I'm here, simply because when we all follow the big screen or small screen, and whenever in my younger days, or many of you must have seen that the bigger films used to start with the dialogue, roti, kapda aur makan. And today, you have seen the exactly where we have reached. These small screens means these TV serials and all, like Colors. You are producing the Limca Book of World Record by having the world's biggest linen kapda. So something which is to be actually connecting to the society. And I genuinely feel that this partnership in Shubharam, the Shubharam is going to be started prime time 9 o'clock, I think. So that's the prime time. And from then onwards, in every house, there would be a thought of starting something new called Shubharam. So everybody's life, there will be a Shubharam everywhere. And I'm wishing Colors the well. I'm wishing all the viewers and even to all the participants, especially to Rubel Nagi ji. The kind of work she does in my entire Bandra area, wherever you find the beautiful places, even the unfortunate people who are staying in the slums, their houses are getting painted. They look so nice. Whenever you go from the ceiling, you'll find that all the people who are staying in that part of the Bandra, their houses are looking so nice. It is all because of Rubel Nagi. So I think let's participate in a bigger way to find the way to associate with the common man and give it back to the common man. I think this Shubharam of yours will take both of you to a very great height and to the colors. Thank you so much.
The show is typically incomplete without its talented producers. And so I'd like to invite Shashi ji and Sumit Mittal on stage. And if you can please tell us a little bit about Shubharam from your lens. Please come. Hello everyone. And this event mein, abhi sir ne bola ki politician ko mic deke bahut badi galti kar di, ab writer ke haath mein mic de diya, to usse bhi badi galti kar di hai. Because if writer will start, to रुकने का नाम नहीं लेता है, बहुत कम लोग सुनते हैं. बट आज मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. राजा और रानी की कहानी भी बहुत ही नॉर्मल घरेलू कहानियों में से एक कहानी है जो मैंने अपनी लाइफ में एक कपल की कहानी देखी थी और मैं बहुत इंस्पायर्ड थी उनसे. जहाँ दोनों, हम जब भी एक रिलेशनशिप में आते हैं, हम ये देखते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है. हम ये नहीं देखते कि हमारी कमी को सामने वाला रिप्रेजेंट करके उसको ठीक कर रहा है या हम उसकी कमी को ठीक कर रहे हैं. और इस तरह से हम 2-11 बन सकते हैं. हम 1-1 0 करते हैं. हमने 1+1 11 करने की कोशिश की है और यही छोटा सा शुभारंभ है. थैंक यू. शी सेड ऑल, जस्ट वही बात है कि अगर हम अकेले हैं और हमें स्ट्रेंथ है, लेकिन कई बार होता है कि स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने के लिए एक साथी चाहिए. और इस शो में हम वही दिखा रहे हैं कि 2 अलग-अलग लोग हैं जिनमें स्ट्रेंथ है, और जब उन्हें एक दूसरे का साथ मिल जाता है तो वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं. सो हम पार्टनर्स भी अच्छे ही चुने लाइफ में, जैसे राजा रानी ने एक दूसरे को चुना है. और थैंक यू. तो आज होएगा शुभारंभ का शुभारंभ कलर्स पे 9 बजे, एंड इट्स अ 1 आवर एपिसोड टुडे, सो प्लीज डोंट मिस इट. And just to give you a small 60-second glimpse of what you're going to see tonight, I'd like for the audio visual, please.